ख्वाजा साद रफीक इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। होके गुजरता है और ये फेज वन है जिसमें मुझे तवक्को है कि इस साल के एंड या अगले साल के शुरू में ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। इसकी फिजिबिलिटी बन गई है, इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन बन गया है। आजकल हम चाइनीज को अदायगी के मोड से मरहले से गुजर रहे हैं, एग्रीमेंट बिल्कुल करीब है। 350 के करीब चीनी इंजीनियर और टेक्नीशियंस पूरे ट्रैक पे काम कर रहे हैं इसके सिलसिले में, और ये पाँच से छः साल में बन जाएगा इंशाल्लाह। और जब बन जाएगा तो ये ट्रेनें जो सुस्त रवि का शिकार हैं ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। और आप समझ लें कि कराची का सफ़र जो अभी तकरीबन आपका 17.5 घंटे का है, ये 10.5 या 11 घंटे के ऊपर रह जाएगा। और अगर आपने रावलपिंडी जाना होगा यहाँ से तो आप 3-3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे ट्रेन के ऊपर। इसके अलावा भी रेलवे में बहुत काम हो रहा है, मैं उस पर बात करूंगा। भाई अफजल खोखर ने दो बातें की हैं, एक तो बिजनेस जो ट्रेन है उसके स्टॉप की बात की है। मैं उन वजीरों में से नहीं हूं जो खुद ही फैसले करते हैं, बाहर ये तासुर होगा कि मैं बड़ा धांसू वजीर हूं। पिछली गल यह है कि मैं अपने अफसरों से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता, और ये बड़े डाढ़े हैं। और हमारे जो जनरल मैनेजर हैं ये तो बहुत ही डाढ़े हैं।